Assalamu alaikum student, let's start with the lecture number 1 of book 7. This is unit number 1 named sets. First of all, we need to know what is a set. A set is a well-defined collection of distinct elements. ये तो set की definition हो गई. अब हम इस definition को बहुत गौर से देखते हैं. इसके अंदर तीन चीज़ें हैं. The first of all is well-defined. Second thing is collection. Third thing is distinct. अच्छा, well defined क्या है? Well defined means कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ही clearly explain की जाए और आपको आसानी से उसकी समझ आ जाए. ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप 1 से 10 तक counting सुनाएं. ठीक है, आपको पता है कि काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1 एंड हम 10 तक उसकी लास्ट लिमिट बता रहे हैं, तो इट मींस आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सुनाना है. ठीक है, इट इज़ अ क्लियर स्टेटमेंट. सो वेल डिफाइंड मींस बहुत ही क्लियर किस्म की स्टेटमेंट दी जाए. व्हाट इज़ अ कलेक्शन? कलेक्शन मींस मोर देन 1. उर्दू में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब है मजमुआ. ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ें, मोर देन 1. What is the meaning of distinct? Distinct mean different, مختلف. ठीक है, आप इसका उर्दू में मायने लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं. Distinct mean مختلف, collection means मजमुआ, well defined means जो आसानी से समझा जा सके. सो सेट क्या हुआ? एक ऐसा कलेक्शन आपके पास एलिमेंट्स का हो गया जिसको आप आसानी से समझ सकें. हाउ टू रिप्रजेंट अ सेट? सेट को किस तरह से लिखा जाता है? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है. आपने सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करना है विद द कैपिटल लेटर. ठीक है, मतलब जब भी सेट लिखेंगे तो उसको सेट को जब स्टार्ट करना शुरू करेंगे लिखना, तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा. ठीक है, उसके बाद ब्रेसेस मतलब ब्रैकेट्स. आपने ओपनिंग ब्रैकेट लगानी है ये वाली, और उसके बाद आपने क्लोजिंग ब्रेस लगानी है. सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इनके अंदर लिखे जाएंगे. ठीक है, तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है, दैट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ऑलवेज सेपरेटेड विद द कॉमा. हमेशा कॉमास के साथ एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है. एलिमेंट्स क्या हैं? हमारे पास जो भी सेट के अंदर वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, 1 2 3 नुमेरिक जो भी डाटा होता है, उसको हम अल्फ़ाबेट्स को, नुमेरिक्स को हमेशा कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं. जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल लिख के दिया है, इसमें ये तीनों रूल्स अप्लाई हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने एक सेट लिखना है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ए के साथ, और ए को कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, स्मॉल ए यहाँ पर डिनोट नहीं किया जाएगा. कैपिटल ए, देन वी हैव टू पुट एन इक्वल टू साइन. उसके बाद आप ब्रेस लगाएंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5. अब ये सेट कौन सा सेट है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. आपको पता है नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1. ठीक है, 1 से शुरू होते हैं, और पहले 5 नेचुरल नंबर्स का हमने सेट लिख दिया. इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड. मैंने इसके अंदर कोई भी वर्ड 2 मरतबा नहीं लिखा. सेट्स के अंदर रेपिटेशन अलाउ नहीं होती. अगर आपके पास 2 1 हैं, मतलब अगर आपके पास एक ही नंबर 2 मरतबा है, लाइक 1 1 2 3 4 एंड 5, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे 1 एंड 1. आप इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5. देर विल बी नो रेपिटेशन. इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1A ऑफ योर बुक. आपकी बुक में एक्सरसाइज 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स. आपने बताना है कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं. ठीक है, अच्छा, अब आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है उसको रिकॉल करें दोबारा से. एक्सप्लेनेशन में 2-3 चीज़ें थी. एक तो ये था कि कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा. दूसरी बात ये थी आपके पास कि कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होगा उसके अंदर. सेकेंडली, ब्रैकेट में इनक्लोज करना है और आपने कॉमास लगाने हैं. अच्छा, अब ये देखें, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट MADIN A. क्या ये एक सेट बन सकता है? हम इसका एक सेट बनाते हैं. क्या आपको, आपने सबसे पहले एक चीज़ जो देखनी थी वो ये थी, इट शुड बी वेल डिफाइंड. जो आपको स्टेटमेंट दी जा रही है क्या वो वेल डिफाइंड है? मतलब दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट MADIN A, दैट इज़ मदीना. मेरा ख्याल है कि आप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई कि हमें सेट लिखना क्या है. हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर मदीना के लेटर्स लिखने हैं. ठीक है, ऐसे.
अब कोई मुझे बताना चाहे कि इसमें ए क्यों दोबारा नहीं लिखा, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया था कि रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो हमारा ये सेट लिखा जा सकता है और ये बहुत वेल डिफाइंड था, ये तीनों चीज़ों को प्रूव करता है। एक तो वेल डिफाइंड है, सेकेंडली इसमें कलेक्शंस भी है लेटर की, थर्डली सारे के सारे लेटर जो है वो डिस्टिंक्ट भी हैं, ठीक है। सो इसको सेट लिख सकते हैं, दिस इज़ द सेट।